नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आपके के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। शनि ग्रह की बात कर रहे हैं आज हम। शनि ग्रह को जनरली ये माना जाता है आलस का ग्रह है, परेशानी का है, एकांत का, डर का, यानी लाचारी का, धन के अभाव का, आगे बढ़ने में रुकावट का। परंतु शनि ऐसे नहीं है। शनि की दशा बहुत लंबी होती है। अगर अपनी उच्च राशि में है, इनकी उच्च राशि होती है तुला राशि, और अपनी राशि इनकी होती है मकर और कुंभ, और आपके शुभ भावों में बैठे हैं, तो मान लीजिए शनि आपको बहुत कुछ देके जा रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, कानून के जानकार, न्यायाधीश शनि के कारण बनते हैं। बात कर रहे हैं प्रथम भाव, जिसको आपका अपना भाव, द्वितीय भाव वाणी का भाव, धन का भाव, और तृतीय भाव पराक्रम का भाव। यहाँ शनि विराजमान है तो क्या फल देंगे। मुख्य बात यह है कि शनि तभी अच्छे फल देंगे जब वो अपनी राशि में हो, शुभ राशि में हो, अपनी स्वयं की राशि में, या उच्च राशि में हो, नीच राशि में नहीं हो। उनके नीच राशि मेष होती है। और त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में ना हो और अस्त के ना हो, ये बहुत सारी बातें होती हैं। प्रथम भाव, जिसको लगन बोलते हैं, बैठे हैं तो शनि आपको देंगे राजा जैसा जीवन। एकांत में आपको अच्छा मन लगेगा, आपको यारी दोस्ती ज़्यादा नहीं चाहिएगी। ग्राम के प्रधान, मतलब छोटे लेवल के राजनेता बन सकते हैं, लीडर क्वालिटी होती है। आविष्कारक हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हो सकते हैं, पर्सनैलिटी तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। यहीं पर लगन में अगर शनि बैठ गए, नीच राशि के मेष के बैठ गए, क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गए, उच्च राशि में भी अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तो गरीब, लाचारी, दुख, बुरे कर्मों के कारण पैसा कमाएंगे, भाग्यवादी हो जाएंगे, भाग्य को बार बार आप कोसेंगे। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपके लिए बंदरों की सेवा, यानी बंदरों को दाना दें और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। दूसरा भाव होता है कुटुंब का, धन का, संपत्ति का, लाभ का, वृद्धि का, परिवार वृद्धि का। यहाँ पे अगर शनि विराजमान है तो कुछ परेशानियाँ ज़्यादा ही हो जाती हैं अगर अपने, क्योंकि इसको त्रिक भाव के साथ साथ इसको मारक भाव भी बोलते हैं, इसलिए थोड़ी सेकंड भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देते। गलत काम से धन प्राप्ति की इच्छा होगी, आँख के रोग हो सकते हैं, व्यवसाय के लिए घर से दूर जाएगा, धन की कमी भी नज़र आती है, बातूनी व्यक्ति होता है। और इसमें अगर हम देखें सुख मिलने वाला भी है अगर शनि उच्च के बैठे हैं, परंतु दूर की दुर्गम स्थानों की यात्राओं को करने की आपकी आदत होगी। ऐसी यात्राएं जो लोग नहीं अचानक जाना चाहते, धनी भी होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगी और मूर्ख बनाने में आपकी अच्छी महारत होगी। शनि यहाँ पे अगर नीच के हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, तो हनुमान मंदिर जाइए 51 दिन लगातार, शनिवार को मछली को दाना दीजिए, क्योंकि सेकेंड भाव से शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम पे पड़ती है, जिसको दुर्घटना का, बीमारी का भाव बोलते हैं। उसमें कोई ज़्यादा परेशानी ना आए, इसलिए ये उपाय आप करते रहें। अगर शनि नीच के हैं और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं तो ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है, अन्यथा चिंता की बात नहीं। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का, विश्वास का, पराक्रम का, मित्रों का, आगे बढ़ने का, ये आप हैं, यानी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थर्ड भाव ही एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। आपकी वाणी के साथ, आपके लगन के साथ, आपको उसको प्रस्तुत करने की आदत भी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने का एक गुण होना चाहिए। यहाँ पे अगर शनि विराजमान है, उच्च राशि के हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो आप बन गए। स्त्री का सुख मिलना है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर होगा, सेल्फ मेड व्यक्ति होते हैं, धनी होते हैं, रुतबा होता है। यहाँ शनि अगर नीच राशि के बैठ गए, क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गए, उच्च राशि के शनि भी अगर राहु केतु के साथ बैठ गए और क्रूर ग्रहों के साथ इनकी दृष्टि पड़ गई, तो बनते काम आपके बिगड़ने की भी संभावना रहती है। आलस आपका पीछा नहीं छोड़ता, मन अशांत रहता है। ये भाइयों का भाव भी होता है, भाइयों से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पे अनबन रहती है। पैतृक संपत्ति के अंदर भी कुछ न कुछ दिक्कत आती है अगर ऐसी, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि जो थर्ड पे अगर शनि है तो भाग्य पे पड़ रही है। भाग्य में पिता के कारण रुकावट आने की संभावना होती है।
कुछ कष्ट है तो क्या करें, कुत्तों की सेवा करें, शनि चालीसा का 41 दिन लगातार पाठ करें। ये आपके लिए अगर थर्ड भाव में शनि की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो। दोस्तों आप हमारा चैनल देखते हैं, धन्यवाद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निवेदन करेंगे प्लीज़ कर लीजिए। नए दोस्त जो हमसे जुड़े हैं वो एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं, नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का विवरण दे दीजिए, जरूर हम उसका रिप्लाई देते हैं। धन्यवाद।